अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को मुंह बंद रखने की धमकी दी है। दरअसल डॉन के समधी जावेद मियादाद और शाहिद अफरीदी का मैच फिक्सिंग को लेकर झगड़ा चल रहा है और अब इस झगड़े में दाऊद इब्राहिम भी कूद पड़ा है। बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को रात करीब 8:30 बजे दाऊद ने खुद अफरीदी को फोन किया। दाऊद ने अफरीदी से कहा कि या तो वो अपना मुंह बंद रखे या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। इस दौरान अफरीदी चुपचाप दाऊद की बातों को सुनते रहे। अफरीदी अभी लाहौर में रहते हैं, लेकिन एक साल पहले तक वो उसी कराची शहर में रहा करते थे जहां दाऊद छिपा हुआ है। दाऊद के फोन के बाद से अफरीदी को डॉन का डर सता रहा है। आपको बता दें कि मियादाद और अफरीदी के बीच जारी विवाद की वजह शाहिद अफरीदी की वो मांग है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपने लिए फेयरवेल मैच कराने की बात कही है। अफरीदी टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वो सम्मान के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी विदाई चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के कोच जावेद मियादाद ने कहा कि पैसे के लालच के कारण अफरीदी इस मैच की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, मियादाद ने अफरीदी पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगाया है। दाऊद के समधी जावेद मियादाद से अफरीदी की नोकझोंक पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार दाऊद खुद जावेद मियादाद के बचाव में खड़ा हो गया है। अब देखना ये है कि अफरीदी इस धमकी से डरेंगे या फिर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले जावेद मियादाद को जवाब देंगे। देखते रहिए टीवी लाइव।